क्वेश्चन नंबर थ्री का स्टेटमेंट है अमंग बी क्यू आर एस टी एंड यू मतलब सिक्स पर्संस हु इज लाइटर देन द ओनली हेवीएस्ट से सबसे हल्का कौन है ये क्वेश्चन में पूछा है तो यहाँ पे हमको देखना है स्टेटमेंट स्टेटमेंट के हिसाब से फिगर बना सकते हैं तो स्टेटमेंट ने बोला है यू इज हेवियर देन एस बट लाइटर देन पी हु इज नॉट द हेवीएस्ट तो चलो यहाँ पे छह लोग हैं और यहाँ पे हमको पूछा है हु इज द हेवीएस्ट एंड हु इज द लाइटेस्ट तो यहाँ पे मैंने हेवीएस्ट लिखा और यहाँ पे लाइटेस्ट लिखा ठीक है थोड़ा छह लोग हैं एक दो तीन चार पांच और छह तो स्टेटमेंट नंबर वन बोलता है कि यू इज हेवियर देन एस यू इज हेवियर देन एस बट लाइटर देन पी देखिए U से P जो है ये बड़ा हेवी है और S जो है U से हल्का है ये यहाँ पे बोला है तो हमने बनाया और स्टेटमेंट अभी भी खत्म नहीं हुआ Who is not the heaviest मतलब P जो है ये हेवीएस्ट नहीं है मतलब P को हम यहाँ पे प्लेस नहीं कर सकते पहले सेंटेंस का ये है पर इसकी मदद से हम ये बता नहीं सकते कि Who is the lightest बराबर तो यहाँ पे हमको स्टेटमेंट नंबर टू देखना पड़ेगा स्टेटमेंट नंबर टू के हिसाब से हो रहा है स्टेटमेंट नंबर टू बोल रहा है S is heavier than R and T अब यहाँ पे क्या है S जो है heavier than R and T तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है S यहाँ पे R T यहाँ पे T यहाँ पे R यहाँ पे पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है मतलब इंडिविजुअली स्टेटमेंट नंबर वन और टू की मदद से यहाँ पे हम प्लान नहीं कर सकते कि कौन कितना हेवियर है तो हम यहाँ पे कैसे करें तो यहाँ पे अगेन स्टेटमेंट नंबर वन प्लस स्टेटमेंट नंबर टू दोनों का यूज करके प्लान करते हैं तो यहाँ पे हमको एक बात क्लियर है कि पी जो है ये स्टार्ट में नहीं हो सकता क्लियर तो यहाँ पे आने के चांसेस कौन है ओनली क्यू 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 की बात कर रहा हूँ मैं क्योंकि यहाँ पे पी जो है यू से बड़ा है और एस से भी बड़ा है और एस आर आर टी से बड़ा है आर आर टी अगर मैंने यहाँ पे अरेंज कर दिया इन दोनों से बड़ा छोटा कोई भी उससे फर्क नहीं पड़ता ठीक ये आर आर टी अगर यहाँ पे आ गया तो एस यहाँ पे आ जाएगा और सिटिंग नंबर स्टेटमेंट नंबर वन के हिसाब से यू यहाँ पे आएगा पी यहाँ पे आएगा और स्टेटमेंट नंबर वन में ये भी स्पेसिफाइड है कि पी हेवीएस्ट नहीं है तो डेफिनेटली क्यू इज द हेवीएस्ट तो ये रहा हमारा सिटिंग अरेंजमेंट यूजिंग वन एंड टू तो मतलब ये जो सिटिंग अरेंजमेंट हमने प्लान किया इट कैन बी डन ओनली बाय यूजिंग स्टेटमेंट नंबर वन एंड स्टेटमेंट नंबर टू टुगेदर क्वेश्चन का आंसर क्या है अभी आपको आइडेंटिफाई करना है आई होप ये समझ में आया होगा और क्वेश्चन आंसर आप तुरंत निकाल सकते हो